सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना स्पीड न्यूज विच आप सब दा स्वागत करदी हां। केंद्र सरकार दे नवे खेतीबाड़ी कानूनां खिलाफ पंजाब हरियाणा दे किसानां दा विरोध प्रदर्शन पिछले 50 दिनां तों भी ज्यादा समय तों जारी है। इस दौरान किसान नेतावां ते सरकारी प्रतिनिधियां विचाले शुक्रवार नूं 11वें दौर दी गलबात वी बीसीटा रही है। किसानों ने बैठक में सरकार वालों खेतीबाड़ी कानूनां ते तय समय लई रोक लगाउण अते कमेटी गठित करन दे प्रस्ताव नूं भी ठुकरा दित्ता है। उधर बैठक खत्म होने तो बाद देर रात पत्रकार नाल गलबात करदे होए किसान नेताओं ने वड्डा दोष लगाया है। जमहूरी किसान सभा दे जनरल सकत्तर कुलवंत सिंह संधू ने वड्डा दोष लगाते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन रुकिया होया करन लई एजेंसियां द्वारा कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस वालों गणतंत्र दिवस के दिन सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दे के ट्रैक्टर रैली कढ़न तो किसानों नूं रोकने असफल रही है। हुण किसानों ने अड़िका पाउण दी साजिश रच जाण दा दोष लगाया। किसानों ने सिंघू सरहद तो एक शक्की नूं फड़िया है। किसानों ने सिंघू सरहद तो जिस शक्की नूं फड़िया उसने कथित तौर ते एक पुलिस अधिकारी का नाम लिता। शक्की का कहना है कि इस अधिकारी ने 26 जनवरी नूं कुछ गलत होने ते मंच ते बैठन वाले 4 किसान आगुआं नूं गोली मारन दा साजिश रची है। अधिकारी ने उन्हां 4 आगुआं दी तस्वीर भी साझी कर रखी है। किसानों ने फड़े गए शक्की नूं मीडिया सामने पेश किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तमिलनाडु के 3 दिन दौरे से कोइंबर टूर पहुंचे। वह अपनी फेरी दौरान किसानों एमएसएमई सैक्टर के नुमाइंदियों ट्रेड यूनियंस मजदूर जुलाही मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस के समारोह लिए आज पार्कर राम दिवस समारोह संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने अपनी सर्वोच्च नीति निर्माण इकाई कांग्रेस कार्य कमेटी की बैठक तो बाद कहा कि इस साल जून में उसका नवा चुनिया होया प्रधान होगा। पार्टी के संगठन जनरल सकत्तर केसी वेणुगोपाल मुताबक कांग्रेस के केंद्रीय चोन अथॉरिटी ने मई में संगठन के चोन कराने की पेशकश की, पर सीडब्ल्यूसी के मैंबर ने 5 प्रदेशों के विधानसभा चोणों के मद्देनजर इस प्रोग्राम में थोड़े बदलाव की अपील की है। भारत में 16 जनवरी तो शुरू हुए कोरोना टीकाकरण तो बाद दुनिया के कई देशों ने प्रधानमंत्री मोदी तो कोरोना की दवाई की मांग की है। भारत पहला अपने गुआंढी मित्र देशों को वैक्सीन भेज रहा है। पाकिस्तान छोड़ के भारत हुण तक नेपाल भूटान और मालदीव को कोरोना वैक्सीन दे चुके हैं। उतें ही डेमोनिक रिपब्लिकन ने भी भारत की कोरोना वैक्सीन की मांग की है। भारत अपने गुआंढी देशों को बड़ी मात्रा में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है। इसमें भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने 7 देशों को वैक्सीन टीका देने लिए शॉर्ट लिस्ट तैयार की है। हुण मन्या जा रहा है कि इन देशों को कोरोना वैक्सीन मिलने में देरी हो सकती है क्योंकि सरकार अपने संबंधित रेगुलेटरी अधिकारियों तो मंजूरी की उड़ीक कर रही है। कंट्रोल लाइन से चीन दीयां हरकतां नूं ध्यान विच रखदे होए भारतीय फौज ने वड्डा कदम चुकिया। उत्तर पूर्व तो करीब 10,000 जवानों नूं वापस बुलाया जाएगा अते उन्हां नूं हुण चीन दे नाल लगदे सरहदी खेतर ते तैनात किया जाएगा। कश्मीर विच 1947 अते बंगलादेश विच 1971 दी आजादी लड़ाई विच अहम भूमिका निभाउण वाला भारतीय हवाई फौज का विंटेज एयरक्राफ्ट डकोदा 26 जनवरी नूं भारत दी गणतंत्र दिवस परेड विच अपनी ताकत विखाएगा। दिल्ली के उत्तम नगर में एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में भयानक अग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 15 गड्डियां अग बुझाने में लगी हुई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को अग लगने की यह दूसरी घटना है। नवे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने उद्घाटन समारोह में हाजिर 100 तो 200 नैशनल गार्ड के मैंबर कोरोना सकारात्मक पाए गए हैं। यह खबर सूत्रों से मिली है। इस आंसर तो आ गया। धन्यवाद।